तो मेरा मानना है कि सर एक तो धैर्य बनाए रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और अपने पिताजी हों और कम से कम जीवन में ऐसे दोस्त जरूर बनाओ कि कभी समस्या आए तो उनके गले लग के भी आप रो सको। मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने में मुझे लगता है मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि हर बार एक नए जोश के साथ मुझसे बोलते थे कि आप दोबारा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके हिसाब से बताइए, जो कोयला उत्पादन कर रही हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो जिम्मेदार है? पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा गांव ही बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और अभी मैं जब गांव भी हो गया है तो मतलब पूरे गांव ने बहुत सम्मान किया। यूपीएससी सीएसई 2023 में 941 रैंक जिन्होंने हासिल की है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं मिलवाने वाली हूँ यूपीएससी सीएसई 2023 में जिन्होंने अपना जगह बनाई है, अपनी रैंक सिक्योर की है, यूपी बिजनौर के प्रद्युम्न कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, और कंपैरेटिवली ये बात सही भी है, कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वे प्रीलिम्स में लैग कर जाते हैं, और अगर उनका प्रीलिम्स हो जाए तो कंपैरिजन इंग्लिश मीडियम उनका मेंस क्रैक हो जाता है। तो इन्होंने अपने जो तीन अटेम्प्ट दिए, तीन अटेम्प्ट के बाद जिस बार इनका प्रीलिम्स हुआ उसी साल ये सिलेक्ट हो गए। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी में देखिए मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ था, तो बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है। और लास्ट अटेम्प्ट में तो ऐसा था कि मेरा सी सेट में रहा था, तो मुझे लगता है तब मेरा बहुत ही कठिनाई भरा सफ़र था। एक सी सेट थोड़ा सा लगता है, मतलब स्पेशली हिंदी मीडियम में, तो कि सी सेट एक प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करता है। जी जी, आपने कैसे इस चीज़ को ठीक किया? मैं एक रहता है जब मैं मतलब किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता तो मैं सुधार की हमेशा गुंजाइश रखता हूँ। जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरा जीएस भी नहीं हुआ था, तो तब मुझे लगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैंने जीएस में जो रेफरेंस बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी थी, दो तीन मैंने वो भी पढ़ी। उसी प्रकार जब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सी सेट नहीं हुआ तो मुझे लगा कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले तो अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो बहुत अच्छे किए, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता था, और उस पर मैंने ऐसी पकड़ बनाई थी कि अगर 25-26 वो आ रहे हैं तो 20 से 21 वो ठीक मेरे होने ही थे। और दूसरा जैसे मैथ रीजनिंग, मैंने कोशिश की थी कि पूरे साल ही थोड़ा थोड़ा उसमें समय देता रहूँ। ओके, सो सर आपने बहुत लिमिटेड टाइम जॉब की है, तो आपका स्टूडेंट्स उस दौरान जो भी इंट्रैक्शन रहा, आपको एक क्या प्रॉब्लम समझ में आई? मैं जैसे कुछ मेंटोरशिप के दौरान कुछ बच्चों से बात करता, स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम माध्यम से होते थे, तो मुझे लगता है जो शुरुआती सफ़र में जब वो एंट्री करते हैं यूपीएससी में, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि कौन सी बुक पढ़ें, आंसर राइटिंग कब से करें, पहले दिन से ही करें, कितने मार्क्स आने चाहिए। तो उसी द्वंद्व में वो रहते हैं, उस समय वो अपना भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दे पाते, उसी चिंता में लगे रहते हैं कब से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो ये मुझे लगता है। ओके, सो सर आपका स्टार्टिंग में जैसे कि आपने टू अटेम्प्ट्स दिए, उसमें आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर आपने अपने मोटिवेशन को कैसे बनाए रखा? मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने में मुझे लगता है मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि जब भी मेरा प्रीलिम नहीं होता था मैं अपने पिताजी को ही बताता था, तो वो हर बार एक नए जोश के साथ मुझसे बोलते थे कि आप दोबारा दीजिए। तो मुझे लगता था कि जब पिताजी मतलब इतना ज़्यादा मुझे बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं क्यों ना फिर इसमें और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे? जी बिल्कुल। ओके, एंड सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं जिससे उनका सिलेक्शन रुक रहा है, या फिर एक मीडियम बहुत मैटर करता है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम वालों का नहीं हो रहा है, कंपैरेटिवली कम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम को आपने कैसे देखा, या कहीं ना कहीं इस प्रेशर को आपने भी महसूस किया होगा? मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की है, तो वहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया था इंग्लिश में। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की लास्ट ईयर से, तो सभी ने मुझसे बोला कि आप इंग्लिश में करो, लेकिन मैंने हिंदी में की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय पर मुझे था कि मेरा विश्वास था कि मैं हिंदी से भी कर लूँगा। और जब मैंने आगे फिर डेटा फैक्ट देखा कि कितने बच्चे हिंदी में पास हो रहे हैं, तो उसमें पता लगा कि जो मेन समस्या आती है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के साथ, उनका प्रीलिम ही नहीं हो पाता है। बहुत ही जैसे अब की बार जो 14,600 बच्चों का प्रीलिम हुआ था, तो मुझे लगता है मुश्किल से 600 या 700 बच्चे रहे होंगे जो हिंदी माध्यम से रहे होंगे, तो प्रीलिम ही एक बड़ी समस्या है हिंदी माध्यम में। परसेंटेज जब स्टार्टिंग में कम होगा तो आगे ऑब्वियसली बात है कि आपका मेंस जब आपको देने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे? जी जी, और यदि अगर आप देखें कि कितने बच्चों का जिन्हों का प्रीलिम निकला है इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, तो उनमें आप देखेंगे कि जो मेंस क्लियर होने की जो दर है, जो रेट है, वो हिंदी वालों का ज़्यादा बेहतर होता है। और जैसे कि आपका क्या कोई सुपर पावर रहा ऐसा सब्जेक्ट जिससे कि आपने जीएस में ज़्यादा उसमें मेहनत किया है, या फिर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो हमें काफ़ी हेल्प कर देता है प्रीलिम्स और मेंस में? वो मुझे लगता है मेरा इकोनॉमिक्स बहुत मुझे लगता था बेहतर रहा है, और उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते थे, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो आपने वो तो बहुत मतलब ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है कि हमेशा उसे करंट अफेयर से अपडेट करने की ज़रूरत होती है। जी जी,
तो आपने करंट अफेयर के लिए कुछ रिसोर्स वगैरह ऐसे रखे हुए थे क्या? हाँ मैम, लिमिटेड करंट अफेयर्स के लिए जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उनके मटेरियल हो जाते हैं, कुछ यूट्यूब पर भी डेली जो न्यूज होती है या कुछ कोचिंग्स वाले जो डेली न्यूज अपने चैनल पर डालते हैं, उससे मैंने मदद ली थी। UPSC इंटरव्यू बोर्ड ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे क्या कि जिसमें आपको लगा हो कि नहीं अब तो फंस गए, बट फिर भी आप निकल गए उसमें, कोई बैलेंस आंसर करके? जी मैम, एक बार हुआ था, जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स मेरी ग्रेजुएशन है, तो मेरा इंटरव्यू का एक लगभग 20-30% हिस्सा उस पर चला था एनवायरनमेंट से, कि केमिस्ट्री से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें बात चलते चलते फिर एक कोल पर आ गई कि कोयले से कितना प्रदूषण हो रहा है, और उसमें जो कारण है मेनली वो है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की जाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके हिसाब से बताइए, जो कोयला उत्पादन कर रही हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो जिम्मेदार हैं? आपने क्या आंसर दिया? मैंने इसका संतुलित ही आंसर दिया था कि इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भारत में भी टेक्नोलॉजी का अभाव है जिस कारण कोयले पर निर्भरता ज़्यादा है। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कोयले पर भी निर्भरता घटती जाएगी। सर, जो अभी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके अंदर एक फियर तो डेफिनेटली होता है हिंदी मीडियम के सिलेक्शन परसेंटेज को देखते हुए जी। तो आप इस डर से कैसे निकले, या उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या मैसेज होगा? मैम, इस डर से मुझे लगता है अगर हम कभी प्रीलिम दे रहे हैं और हमारा नहीं हो पा रहा है, और यदि हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो इससे जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो मुझे लगा था कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें सुधार करते हैं, जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी है। सेकंड अटैम्प्ट में CSAT नहीं हुआ, तो मुझे लगा CSAT प्रॉब्लम है। तो जब भी हमारा नहीं हो रहा है और हम अपनी कमी को अगर पकड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है सुधार की गुंजाइश और आप कर पाएँ। और अगर आप मतलब पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है आप उस चक्र में फंसते जाएंगे हर साल। मतलब आपने पहले देखा कि यहाँ पर मेरा ये जो सब्जेक्ट है वो ड्रॉबैक है या कमज़ोर है, आपने उस पर मेहनत की। जी जी, हाँ ये एक सही तरीका भी है। आपने रिजल्ट कब देखा, कैसे देखा, किसी ने आपको रिजल्ट बताया? नहीं, रिजल्ट जैसे 15 तारीख में आने की उम्मीद थी, उसमें नहीं आया, फिर 16 में आया। तो मुझे सुबह से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक माहौल बना हुआ था, तो मैं मंदिर भी गया सुबह को, घर पर माता पिता से भी बात की, और वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि आना ही है, पूरा खुशी का माहौल था। तो मैं पापा से बोलने लगा कि अब कुछ भी हो सकता है ना भी हो, तो आप मुझ पर भरोसा रखना, मैं एक बार अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो दोबारा भी पहुँच सकता हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया जी, आपने। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बस रिजल्ट देख के हमें बता देना, जैसा भी हो हम साथ ही हैं। तो लगभग 12:30 के लगभग रिजल्ट आया, और सबसे पहले मैंने ही देखा और पापा को ही बताया। आप बहुत खुश हुए होंगे, आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन बस मैं ये महसूस करना चाह रहा था कि कैसे पापा से बताऊँ कॉल करके। तो मैं कॉल जैसे किया तो मैं चुप रहा, और वो बस हंसने लगे, मतलब वो पता नहीं उनके मन से कहाँ से आवाज़ आई कि कॉल आया है, तो बस यही आया कि हो ही गया है, हो गया है सिलेक्शन। काफ़ी खुशी होंगे फिर तो? नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हुए, मतलब मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा गांव ही बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और अभी मैं जब गांव भी हो गया है तो मतलब पूरे गांव ने बहुत सम्मान किया। बहुत बड़ी जीत है डेफिनेटली। UPSC देश का टफ एग्ज़ाम है, आपने इसको क्रैक किया, बहुत बहुत बधाई सर आपको, एंड आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो पूरे PWOLIS टीम की तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एक क्वेश्चन और, अगर आप ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगे आगे ब्यूरोक्रेसी में, या फिर आप सोसाइटी में क्या ऐसा प्रॉब्लम देखते हैं कि आप उसका सोल्यूशन करना चाहें? हमारे एक ड्रीम, एक पर्पस होता है ना कि हम इस चीज़ के लिए काम करेंगे, जी जी। ऐसा कुछ? मैं एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, और मैंने 12th तक की पढ़ाई एकदम गांव में रह के ही की है, तो मुझे ज़मीनी स्तर पर मतलब बहुत सारी समस्याओं की जानकारी है, जैसे किसान को क्या प्रॉब्लम होती है, गरीब को क्या समस्या होती है। और तो मुझे लगता है जो ये दूरी है प्रशासन के, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और गरीब की, मुझे लगता है ये दूरी कम करने की आवश्यकता है। और चूंकि जैसे मैंने बताया मैं गांव से पढ़ाई किया, तो अभी भी जब मैं गांव में गया तो मेरे गांव वाले मुझसे मतलब बधाई देने के साथ साथ ऐसा बोले कि तुम्हें मदद करनी है सभी की, जहाँ भी आप जाओगे हर गरीब की मदद करनी है आपको। तो ये मेरा है कि मैं कभी भी अपने और गरीब, किसी गरीब या शोषित या जो भी जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दूँगा। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।